ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਭੈਣਾਂ ਲੜੀਏ ਲੜੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਛੱਡੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਪਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਰੋਲਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਛੱਡੋ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵਾਂਗੀ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ ਪੰਮੀ ਆਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਡ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਮੋਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਪਰ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਚਲ ਫਿਰ ਹਾਏ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ ਫੇਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ ਪੰਮੀ ਆਂਟੀ ये हमारी रॉक स्टार पम्मी आंटी ना शो में ऐसी आती जाती रहेंगी फोन कॉल करती रहेंगी इन्हें कोई नहीं रोक सकता सो मूविंग ऑन आई वॉज टॉकिंग अबाउट हर अगली जोड़ी देखना चाहेंगे हमारी अगली जोड़ी को बड़े ही बदसूरत है ताली बजाना चाहते हो तो बजा दो यार प्लीज वेलकम मनन एंड अमृता मैं इतना अगली हो गया दोनों के बराबर हो गया मतलब पूरा जोड़ी अगली हो गया हेलो प्रेस वालों मीडिया वालों कैसे हो सब लोग मस्त सर तालियां बजाओ यार तुम लोग क्या कर रहे हो कब के शांत बैठो यार यूजुअली ये शो पे बहुत अच्छी एनर्जेटिक ऑडियंस आती है आप ऐसे ही बैठ के हमें जज कर रहे हो यार कि ये काले के बारे में हम कल क्या लिखेंगे मैं तो गुजरात से हूँ वहां की मीडिया एकदम डिफरेंट है एकदम अलग है मैं उस दिन बोला था कि मैं बाप बनने वाला हूँ दूसरे दिन छप गया मनन देसाई प्रेग्नेंट तो वहां पे वो सब चलता रहता है पर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ आप कितने खूबसूरत हो कितने ब्यूटीफुल हो कितने आपकी जगह यहाँ पे होनी चाहिए आपकी जगह वहां पे नहीं होनी चाहिए आप कैमरे पे बहुत अच्छे दिखे हो मतलब मेरे हिसाब से ये शो का फॉर्मेट है लोगों की टांग खींचना एंड ऑल ऑफ दैट पर मैं वो आज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा करियर अभी अभी शुरुआत हुई है और आप मीडिया वाले हो तो मुझे दिखना है सो आई शुड बी वेरी नाइस मैं आपके साथ बहुत अच्छे से बात करूंगा पर हाँ मेरा नाम है मनन देसाई मैं गुजरात से आया हूँ और मैं इंटरनेट पर कॉमेडी करता हूँ तो यहाँ पे 90% लोगों को पता नहीं होगा मैं कौन हूँ तो उनको इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ 10% के साथ बात करूंगा आज वैसे मीडिया के लोगों के साथ हमदर्दी रखता हूँ क्योंकि क्या है कि तुम लोग दिवाली के वक्त इतना काम करते हो इतने ऑक्यूपाइड रहते हो मतलब लोग पटाखे जलाते हैं आप ये न्यूज चाहते हो कि किसका हाथ जला पटाखों के वजह से और एक बात सही है यार मतलब दिवाली के वक्त सब लोग खुश होते हैं फेस्टिवल मनाते हैं मिठाइयां बांटते हैं लेकिन आप लोग ढूंढने रह जाते हो कि कौन सी फैक्ट्री में खोए की नकली सामान मिल रही है तो आप उसमें बिजी रहते हो अपने हिसाब से पर हाँ आज हम यहाँ पे वाह 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 आप भूले नहीं नमस्कार नमस्कार सकेना ज्यादा मिला लिए ना चाय पानी वगैरह हवा से तो यहाँ सांगा हाँ आप कौन मेरा रहने दो तुम कौन मैं मनन देसाई इंटरनेट पे कॉमेडी करता हूँ कॉमेडी करते हो इसकी शक्ल देखे ऐसे नहीं लगता कि रात में सुई धागा लेके ये पेटीकोट सिलता होगा ए, क्या बकवास कर रही हो तू तुम कौन हो ये लोग मुझे जानते हैं लेकिन हाय आई एम अमृता खानविलकर अमृता खानविलकर ये नाम अगर तीन बार लगातार बोलोगे ना तो जीभ में गांठ पड़ जाएगी ये सब छोड़ो ये सामने मीडिया वाले बैठे हैं यार अरे वही तो मैं कह रही हूँ मीडिया वाले बैठे हैं और मैं आगे की लाइन भूल गई क्या है आगे की लाइन ये थी कि आपको मीडिया के बारे में बताना था ओह यस यस पर फिर भी मैं भूल गई सॉरी आज आज क्या हो गया है ना इसकी इसकी इसका जो है वो साया पड़ गया है मेरे ऊपर और मैं बहुत ही मैं खुद ही एक साया हूँ दिख नहीं रहा वही तो लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती ना कि तू मेरे ऊपर पड़ गया पर हाँ मीडिया की अगर बात करें देखो हाँ मीडिया की बात छोड़ो मैं मेरी बात करता हूँ ठीक है गुजराती छो गुजराती ओ एक गुजराती की फोटो नोट पे है और एक गुजराती देश चला रहा है हाँ तो ठीक है नहीं नहीं वो नहीं नहीं ठीक है मतलब इसका प्राइड गुजरातियों को होना चाहिए है कि नहीं तो तू जाना अपने देश वेस्ट इंडीज फेंके हुए क्रिस गेल गौर से देखिए इस इंसान की शक्ल को ऐसा लगता है डांबर पे चश्मा पड़ा है ए, क्या बोल रही है यार मैं हैंडसम हूँ मेरी आंखें देख कितनी मस्त है कितनी प्यारी है प्यारी है इसकी आंखें प्यारी है एक मिनट दिखा नहीं प्यारी की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है तेरी आंखें प्यारी नहीं है तेरी आंखें भयानक है ऐसा लगता है कि मेंढक को अभी फांसी से उतारा गया है यार मेरे बारे में छोड़ना है यार मीडिया के बारे में बात करते हैं ना हम क्या अरे कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा के बारे में ओह हाँ हाँ सॉरी मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपस में नहीं लड़ना है सामने वाले की खिंचाई करनी है तो ठीक है अरे मैम आपने स्कर्ट पहनी है चलो ठीक है
मैं करूं, मैं करूं, मैं ट्राई करूं? आप नहीं कर सकते? नहीं, मुझे ट्राई कर दे। अच्छा चल ठीक है, कर ले। मीडिया वाले और अंपायर, ये दोनों में समानता है क्या? मतलब दोनों का कुछ काम नहीं होता, बेवक्त उंगली करते रहते हैं। पर यार मुझे मीडिया के साथ एक कन्फेशन करना है। जैसे कि? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, मेरे साथ है ना धोखा हुआ है। कैसा धोखा? अमृता मेरी पार्टनर होगी ऐसा बोला गया, मुझे लगा अमृता राव होगी, अमृता अरोरा होगी, अमृता खानवेलकर मुझे मिली। यार ऐसा लगता है चीज के जगह पे फटा हुआ दूध दे दिया। अबे फटा हुआ दूध किसको कह रहा है? नहीं, इन दोनों अमृता से तो मेरा करियर बेटर ही चल रहा है, सुपर हिट शो पे मैं हूं। तो भाई फटा हुआ दूध काले कलूटे, ये 10 रुपए के रिचार्ज के लिए ना मेरे से बद्दे और काले लड़के के साथ पड़ जाएगी इसको औरत है ये। पर ये मीडिया वाले क्या होते हैं यार, वो लोग न्यूज चैनल पे ऐसे 6-6 खिड़कियां खोल के बैठ जाते हैं, 6-6 अलग अलग लोग होते हैं जो एक टॉपिक को लेके बहस करते हैं, मेरे घर जैसी फीलिंग आती है। घर जैसी मतलब? हाँ मैं जो चौल में रहता हूँ ना उसमें भी औरतें ऐसे खिड़की के बाहर मुंह डाल के बोलती है कि यार तेरे घर पे पानी आया कि नहीं, हाँ मेरे घर पे आया, तेरे घर पे आया कि नहीं, उनकी बात में लॉजिक होता है। ठीक है, तू बहुत इलॉजिकल बात कर रहा है भाई। आज हमारा पहला दिन है, ये मीडिया वाले है, इतनी सुपरहिट जोड़ियां यहाँ पे बैठी है, क्या लगता है हम टिक पाएंगे? अरे जमा देंगे। मतलब? अरे यार अब असली टैलेंट की पहचान होगी, वरना ये भोजपुरी नेवला। अच्छा कृष्णा। और ये जापान से भागी हुई डायन भारती, ये इतने टाइम से इधर टिका के बैठे, आप इनको रफा दफा करेंगे? वैसे एक बात बताओ, डाकू के अड्डे? डाकू के अड्डे अब सीधा सीधा काली पहाड़ी नहीं बोल सकती। यार मेरे हिसाब से तू रहने दे अभी, ठीक है? तू नहीं समझेगी, मीडिया बात समझ जाएगी। कल से 10 बजे कलर्स टीवी पर कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा, जहाँ पे मराठी मिसल में लगेगा गुजराती ढोकले का तड़का। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हमारी अगली जोड़ी ने बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी यार, मजा आ गया, जोरदार तालियां तो बजा दो। थैंक यू एंड थैंक यू लेडीज। अब दो और शेर हमें चाहिए जो सिंहासन पे बैठ जाए। आइए आइए आइए, अक्षा, अक्षा कौन है? अक्षा, अक्षा, अक्षा बीच आइए आइए, एक और नाम ले लो। प्लीज वेलकम बलराज, शरद एंड निया। एक बार जोरदार तालियां सब लोग बजा दीजिए प्लीज। कैसे हैं आप लोग, पहचाना मुझे? सेम ही, मैंने भी नहीं आपको पहचाना। खैर आपने भी नहीं पहचाना, आपने भी नहीं पहचाना। मैंने चैनल वालों को बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले मेरे को भारती के मुंह पे शाही फेंकने दो, कृष्णा के मुंह पे चप्पल मारने दो, कंट्रोवर्सी करूंगा, फेमस होऊंगा तो मीडिया वाले फोटो खींचेंगे। पर समझ नहीं आया, इन्होंने नहीं किया तो क्या कर सकते, चलो कोई बात नहीं। एक रिक्वेस्ट है सारे मीडिया वालों से मेरी कि आप मेरे से किसी भी सेंसिबल बात की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने सुबह सुबह नाश्ते से पहले KRK को सुना है और नाश्ते के बाद मैंने राखी सावंत को देखा है। हालांकि मैं राखी को नाश्ते के पहले भी देख सकता था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे खाने में प्लास्टिक मना किया है। तो अपने बारे में आपको बता देता हूं मैं, मेरा नाम, अच्छा वैसे राखी सावंत से याद है, मीडिया वाले बैठे, राखी सावंत मीडिया की बेटी बोलते सब लोग है ना, मीडिया की बेटी राखी सावंत, ये औलाद पैदा की आपने। खैर अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम बलराज है, सिर्फ नाम में ही राज है, कपड़े भी भाड़े के हैं, वैसे मैंने स्ट्रगल ही की सारी जिंदगी। हमारे पंजाब में ऐसे नाम रखते थे कृष्णा भाई, बी से हुआ तो भारती रख दो, एम से हुआ तो मोना रख दो, के से हुआ तो कृष्णा रख दो। लेकिन अंग्रेज बड़े अच्छे लोग हैं निकुल सर, अंग्रेज बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है वैसा नाम रखते हैं। झाड़ी में पैदा होता बुश रख दो, मां का दिल बहका डेविड बैकम रख दो, बच्चा हंसते पैदा माइकल हंसी रख दो, मूड बना तो डोम मुटी रख दो। अब आप खुद सोच लो बराक ओबामा के टाइम पे क्या होगा, मेरे को नहीं पता। तो मैं बलराज, मेरी हाइट 5'11", ये मेरे प्रोफाइल्स। एक्चुअली मेरा कसूर नहीं, मैंने जिंदगी में ऑडिशन इतने दिए हैं भाई, आपको क्या बताऊं मैं।
मेरे तो आधार कार्ड पे भी तीन फोटो लगे हैं, फ्रंट प्रोफाइल, एक राइट प्रोफाइल, एक लेफ्ट प्रोफाइल। इतने ऑडिशन दिए मैंने जिंदगी में अपनी, मतलब मेरे ऑडिशन की सिर्फ टेप चला दो ना तो एकता कपूर का 250 एपिसोड का डेली शो बन जाता है। तो आपको पता चल गया होगा मैं थोड़ा सा नया हूं, तो अगर टांग खिंचाई में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो आप लोग बुरा मत मानना, मैं घर पे आके करके जाऊंगा, वेला हूं। तो आज इन्होंने मेरे को दो लोग और दिए, नए पता नहीं कौन दिया है मेरे साथ। चलो चलो जल्दी बताओ किसकी टांग खिंचाई करनी है, मुझे अपना टैलेंट दिखा रहा है, कम ऑन, किसकी टांग खिंचाई करनी है? अच्छा, इसके कपड़े देख के ये नहीं समझ आ रहा है जल्दी आइए कि लेट आइए। टांग खिंचाई किसकी करनी है, मुझे अपना टैलेंट दिखाना, तुम्हारा हो गया बेटा। जो तू दिखा रही वो टैलेंट नहीं, टांगे होती है। एक सेकेंड, ऊपर दे, ऊपर दे, यहाँ देख के बात कर। कहाँ देख के? यहाँ थोबड़े पे। अबे मुर्गी कैसी भी हो थोबड़े पे कौन देता है, लेग पीस में ध्यान रहता है लोगों का। आप लोगों का भी यही ध्यान है ना भाई लोग। तो कल प्लीज अखबार में निया की, अच्छा उसने हाँ भी बोल दिया भाई ने फ्लो फ्लो में। कल अखबार में निया की टांगों के साथ थोड़ी सी फोटो मेरे मुंह की भी लगा देना प्लीज, क्या है थोड़ा अपना भी करियर सेटल हो जाएगा। करियर सेटल हो जाएगा क्या, चापलूसी करके हो गया तेरा? ये लोग किसी का करियर नहीं बनाते। धीरे बोल, खराब कर देते हैं। मेरा करियर तो किसी ने खराब नहीं किया। तेरा करियर अभी बना भी कहां है अच्छे से? मुंह तोड़ू तेरा, अभी दो सीटियां और लगनी फिर जाके बनना है। चल ना तू, चुप कर, तुझे पता है मैं कितनी बड़ी स्टार हूं? क्या तुझे पता है मैं कितनी बड़ी स्टार हूं? वो कौन है? भारती, वो भी बड़ी स्टार है। हाँ, तो जो स्टार होते हैं ना उनको मुंह से नहीं बोलना पड़ता, फैन बताते हैं तेरे जैसे। चल ना चल, तुझे पता है निया शर्मा हूं मैं, निया शर्मा, मैं यहाँ पे भारती की जगह लेने आई हूँ। हाँ जी, क्या करने आए यहाँ? भारती की जगह एक बार घूम के दिखाने जरा। हाँ देखो, खरगोश जैसा फिगर लेके भैंसों के तबेले में घुसना चाहती है। बेटा जितना तेरा वजन है ना उससे ज्यादा भारती रोज सुबह फ्लश कर देती है। चल तू अपना बता ना, तू अपना बता, तू किसकी जगह लेने आया? मैं तो कृष्णा भाई की जगह लेने आया हूँ, एक्चुअली मेरी कश्मीरा पे नजर है। बलराज, आदमी कितना भी भूखा हो कीचड़ नहीं खाता। क्या बोला, क्या बोला, दोबारा बोलना। आदमी कितना भी भूखा हो कीचड़ नहीं खाता। मैंने चैनल को यही बोला था निकुल सर, मैंने बोला था मेरे को कीचड़ नहीं खाना, कहते नहीं नहीं मिलेगी। दिमाग मत खराब कर, तुझे पता मैं कितनी बड़ी टीवी की कितनी बड़ी सुपरस्टार हूँ, डोंट इवन नो। तेरे घर में टीवी है? हाँ है ना। चैनल आते हैं? सारे आते हैं विद HD। तो तेरे को वहां दिखता नहीं कि तू कहीं नहीं दिख रही है? एक तरह शो आता था गलती से जमाई तेरे को बाहर निकालते धक्के मार के। मुंह तोड़ दूंगी, निकाला नहीं था वो किसी का कंधा, बस अपने आप लग गया था। दिमाग मत खराब कर। और हाँ, तुझे पता है जब तक मैं शो में थी ना 3 की TRP आती थी। तेरे को किसी ने बताया तेरे जाने के बाद 5 की TRP होगी ये? अरे तू छोड़ ना, तुझे क्या पता मैं टीवी पे रहूं ना रहूं, जहां मैं खड़ी हो जाती हूं ना पत्रकार कैमरा लेके लाइन लगा देते हैं मेरे पीछे ऐसे। हां तो ये इन लोगों का काम है भाई, सच्चे पत्रकार है, समाज की गंदगी दिखाना फर्ज है इनका। गंदगी की बात कौन कर रहा है जिसकी माँ उसके बाप के कच्चे में से चांद देख के करवा चौथ का व्रत तोड़ती है, बोलती है छलनी से ज्यादा, बोलती है छलनी से ज्यादा उसके बाप के कच्चे में छेद है। बताओ, छलनी से ज्यादा मेरे बाप के कच्चे में छेद है। इस इंफॉर्मेशन में इसने मेरी मां डाल के अपना करियर बचा लिया है, नहीं तो जितना बड़ा मेरे बाप का सीक्रेट इसने आज बताया है ना, कल मेरे बाप के साथ की फोटो आती है अखबार में। सस्ती पूनम पांडे, सस्ती, तू स्ट्रगलर, तू गरीब, तू यहां क्या कर रहा है? हां गरीब, वहां पे तक कट, लड़ना बंद कर पहले। हेलो हेलो हेलो, हाय सर। ओ भाई, ओ मुंह से टॉफी निकाल, नाम बता अपना। शरद है? शरद, अबे ये बड़ा मनहूस नाम है शरद। ओ शरद नाम का 1.5 साल ज्यादा कोई नहीं चलता, चाहे शरद कपूर हो चाहे शरद केलकर, पूछ ले मीडिया वालों से। ना केलकर ना कपूर, शरद मल्होत्रा। यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाट लगी पड़ी, तू तो फिर उसकी फर्स्ट कॉपी। बात ना कर तू। एक सेकंड, तू किसके मुंह लग रहा है? हम दोनों स्टार है, ये स्ट्रगलर है, क्यों मुंह? सही बात है, किंग ऑफ ऑडिशन, हट, हम सुपरस्टार शो चलाएंगे। आ गया सुपरस्टार, बोलने में भी फंबल मार रहे, कैसे सुपरस्टार है? और क्या स्ट्रगलर, स्ट्रगलर तेरे से ज्यादा कपड़े मैंने सूट के अंदर पहने, समझी तू? स्ट्रगलर, स्ट्रगलर, और तू क्या काय का स्टार है? क्या किया जिंदगी में आज तक?